हेलो एवरीवन, मैं सर आशीष वर्मा, एन आई एम सी एस सी डिपार्टमेंट। मेरे पास एक ग्रुप के पास कमेंट्स आए थे, उन्होंने मैसेज किया पर्सनली कि हमने हॉरिजेंटल मेन्यू बनाए थे जो आपने कहे, लेकिन उसके अंदर हम जब कुछ ऐड करते हैं तो मेरी फाइलें नहीं आ रही। तो मैं आज आपको दोबारा से वो चीज़ सिखा रहा हूँ, लेकिन थोड़े से अपडेट वर्जन में। आपने क्या क्या देखे, सबसे पहले जो आपने ऊपर का मेन्यू बार लिया, आपने इसको डिफ़ाइन कर दिया। डिफाइन करने के बाद उसका आपने बैकग्राउंड कलर टेक्स्ट कलर ले लिया। माउस का पॉइंटर जैसे ही मूव होगा तो आपकी पोजीशंस क्या होनी चाहिए, आपने यहाँ पर नहीं सर कलर कॉन्ट्रास्ट ले लिया। जो मेन्यू बार चाहिए थे आपने यहाँ पर सारे के सारे दे दिए, चाहे एक दीजिए 10 दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। अब आपने क्या क्या जो मेन्यू बार बनाया था उसके साथ सिर्फ हमने एक मैसेज दे दिए कि आपका ये काम है। तो हमने इसको सेव किया है, मिनिमाइज़ किया, हम यहाँ से लेके आते हैं और रिफ्रेश किया। देखिए स्क्रीन के ऊपर सारे आ रहे हैं, जो मर्जी लेके चलिए, कितने मर्जी आपने बनाए, सारे के सारे आपको ये दिखा रहे हैं। अगर आप इसका बैकग्राउंड कलर या फोरग्राउंड कलर या उसकी वर्किंग चेंज करना चाहते हैं तो मैं आपको सिखा देता हूँ। जैसे आप यहाँ पे आए, देखिए सबसे पहले आपने ये लिया, मुझे यहाँ पर जो चाहिए वो ब्लू कलर का चाहिए, कंट्रोल एस लीजिए, आपके क्रिएट होगी, राइट। अब आप यहाँ पे कहते हैं कि जो मुझे कलर चाहिए इसके ऊपर जाते ही आपने यहाँ पर दिस वन कर दिया, कंट्रोल एस F5। जैसे ही माउस का पॉइंटर इसके ऊपर जाएगा, बैकग्राउंड कलर का है, राइट। अब आप यहाँ पर लेके आ सकते हैं, कुछ मर्जी लाइए, ऑप्शन यूज़ कर दिए क्या फिर दिस वन, ये आपके ऊपर डिपेंड, नथिंग न्यू। क्योंकि जो आप लेके आ रहे हो सिंपल है और कुछ नहीं है, सिर्फ मैंने मेन्यूज़ क्रिएट किए हैं और कुछ नहीं किया हुआ। अगर आप यहाँ पे लेके आते, मैं कहता हूँ कि इसका जो वाइट कलर है इसकी जगह अगर हमने यहाँ पर ये कलर कर दिया, ये लीजिए मैंने कलर कंट्रास्ट चेंज कर दिया टेक्स्ट का, ये लीजिए हो गया सारा। ये आपके ऊपर डिपेंड है आप क्या करना चाहते हैं। आपने यहाँ पर येलो लेना है तो ये लीजिए टेक्स्ट येलो, बैकग्राउंड कलर हमने ये दे दी, ये आपके ऊपर डिपेंड है। आपका वर्किंग का क्राइटेरिया, वर्किंग का स्टाइल क्या है। नीचे आप आते हैं, हाँ, इसके अंदर अगर आप कुछ और जोड़ना चाहते हैं कितने मर्जी जोड़ लीजिए, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, सब काम इजीली हो जाएगा। यहाँ पर एक एक्ट, क्योंकि ये जो मैटर है जो मैंने लिखा हुआ है रिसाइज योर विंडो, वो आपका ये रहा, ये देखिए ये वो चीज़ें यहाँ पर मेंशन की हुई हैं। और इस तरीके से आप वहाँ पर इजीली काम कर सकते हैं, नथिंग विल चेंज, नथिंग विल रॉन्ग। आपको यहाँ पे साथ आइकॉन्स लगाने हैं, आप आइकॉन्स लगा सकते हैं। आइकॉन्स लगाने के लिए फिर आपको मैं बता देता हूँ करना क्या है। इसी जगह के ऊपर आप चेंजेस करेंगे, कौन सा आइकॉन चाहिए, किस स्केल पे चाहिए और क्या पैटर्न चाहिए। तो इस तरीके से आप काम करेंगे तो आपका इजीली यहाँ पर वर्क एक्सेस हो जाएगा। सो डू मोर एंड मोर प्रैक्टिस एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव ए नाइस डे। देखिए इसके अंदर एक चीज़ बताना भूल गया आपको मैं, ये जो मैंने बनाए हैं ये साइंस और हैश का साइन लगा रहा हूँ, दीज आर द हाइपर लिंक, HRF लेके चल रहा हूँ, पर मैंने यहाँ पर भी लिंक क्रिएट नहीं किया। लिंक क्रिएट करूँगा तो मुझे बहुत टाइम लग जाएगा, आपको पता है हाइपर लिंक क्रिएट कैसे करने हैं, ये आप इजीली कर सकते हैं। सो कीप एक्टिंग सोनी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय।